नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में नामांकन के अंतिम दिन जिला मुख्यालय पर स्थित सदर तहसील में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व क्षेत्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में भाजपा प्रत्याशी नामांकन कर रहे थे, तो वही दूसरी तरफ पार्टी द्वारा टिकट न मिलने से नाराज बागी उम्मीदवारों ने भी निर्दल के रूप में नामांकन शुरू कर भाजपा की परेशानी को बढ़ा दिया है। नगर पंचायत जहानागंज से भाजपा से टिकट न मिलने पर आनंद गुप्ता ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। सदर तहसील में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बाहर निकले भाजपा नेता आनंद गुप्ता ने साफ कहा कि वह लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, कल टिकट घोषणा में उनका नाम नहीं था, इससे वो नाराज है और निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए हैं। उन्होंने कहा वह पार्टी की किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। आज आपने नामांकन किया, कितने सेटों में नामांकन किया है? किस हमने दो सेट में नामांकन किया है नगर पंचायत जहानागंज के अध्यक्ष पद के लिए। निर्दल? आप भाजपा के नेता हैं, आपने पार्टी क्यों छोड़ी और क्या कारण? पार्टी अभी हमने नहीं छोड़ा, पार्टी की तैयारी में हम टिकट के अभ्यर्थी थे भारतीय जनता पार्टी से और तैयारी कर रहे थे। कल पार्टी ने किसी और को मौका दे दिया ना, बाकी नाते हमने जनता से वार्ता किया, अपने गाँव मार्केट के लोगों से वार्ता करने के बाद सभी लोगों का आश्वासन रहा कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। इस नाते मैंने नामांकन किया है, जनता को आदेश था तो उसका हमने पालन किया। अगर पार्टी ने आपको निष्कासित कर देती इस तरह मंजूर, आगे क्या रणनीति होगी? अभी आगे हम चुनाव लड़ेंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और प्रयास करेंगे कि जीत हासिल करके पुनः भारतीय जनता पार्टी को ही सीट देंगे। पार्टी के विपक्ष में आप क्यों लड़ रहे हैं? ये पार्टी का विपक्ष कहें, अब जनता का आशीर्वाद हमारे साथ, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता ने कहा है जो मैं लड़ रहा हूँ। किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच? विकास का मुद्दा हमारा, हमने काम किया हुआ है जनता में, आप सर्वे कर सकते हैं, जहानागंज की जनता आपको बताएगी कि निर्णय गलत है निर्णय सही है, वो तो खैर हमारे कहने से नहीं, जनता से आप लोग सर्वे कर। अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि काना में जो पार्टी के खिलाफ, वो तो चूंकि पार्टी का मामला है वो तो कहेंगे लोग, उसमें नहीं हुआ, लेकिन जनता ने कहा तो जनता हमारे लिए सर्वोपरि। निर्दल आपने दाखिल करके बचा दाखिला त्यागपत्र नहीं दिया? नहीं, त्यागपत्र अगर पार्टी का वो फोरम अगर कहेगा तो हम त्यागपत्र भी दे देंगे, पार्टी निष्कासित करेगी वो भी मंजूर है हमको, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, जनता के लिए काम करेंगे और आगे भी करेंगे और पीछे करते भी रहे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। जी, चुनाव लड़ेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।